नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्टैक एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने स्टैक एपिसोड में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत ही सरल है। इसे अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करने का इंटरेस्ट है, आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं या एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहे मशीन लर्निंग में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, और आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसे समझना बहुत आसान है। सी प्लस प्लस या जावा की तरह इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। तो आज हम इसी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने विंडोज़ मशीन के ऊपर एक आईडी एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं पाइथन की स्क्रिप्टिंग करने के लिए या कोडिंग करने के लिए। दोस्तों, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं पाइथन की कोडिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, बट मैं विंडोज़ 10 मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करके उसको आप पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदर टूल्स जो अवेलेबल हैं वो आपका पाईचार्म हो गया, एनाकोंडा हो गया, पाइथन का इंटीग्रेटेड है आइडल वो है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। बट मैं विजुअल कोड के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसे आप अपने सिस्टम पे, अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है जैसे कि मेरा विंडोज़ 10 है, तो किस तरीके से आप वीएस कोड उस पर सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से एक सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने जो है वीएस कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना है। तो वीएस कोड आप सिंपली गूगल पे सर्च मारिए, वहाँ से आपको वीएस कोड का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में आपको जो है पाइथन डाउनलोड करना है। पाइथन का भी करंट वर्जन जो है 3.7.3 चल रहा है, इसे आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें रख रखी है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको पाथ डिफाइन करना है। यूज़र एनवायरनमेंट में पाथ ऐड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो आपका प्रोग्रामिंग आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वी एस कोड यूज़र सेटअप मेरे पास पड़ा हुआ है, पाइथन 3.7.3 ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। मैं वन बाय वन करके इसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ पे पाथ दूसरा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पाथ रखें तो वो भी सही है। फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट करना है। आप अगर डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। और ये देखिए, ऐड पाथ अवेलेबल आफ्टर रीस्टार्ट, ठीक है। ये आपको जो है ये यूज़र प्रोफाइल में जा कर के सिस्टम के एनवायरनमेंट में पाथ को ऐड रहेगा। इससे हम नेक्स्ट कर देते हैं एंड देन इंस्टॉल। वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, अब हम अपना पाइथन इंस्टॉल करेंगे। उसे भी सिंपली आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या फिर इसको इंस्टॉल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पे ये इंक्लूड आइडियली पिप एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेगा। आइडियली पाइथन का इंटीग्रेटेड जो है एनवायरनमेंट है, तो बट मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वीएस कोड अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मुझे आइडल की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शन में आप देखिए इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स एसोसिएटेड फाइल विद पाइथन्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो हमें फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा। तो हम यहीं पर स्टार्ट में ही कर देते हैं एंड नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये देखिए दोस्तों, हमारा इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो गया है। फाइनली दोस्तों, मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है। तो चलिए एक बार वीएस स्टूडियो कोड को खोल करके ओपन करके हम चेक करते हैं। वीएस कोड हमारा ओपन हो रहा है।
और ये देखिए वीएस कोड हमारा खुल गया है। बट दोस्तों आप फर्स्ट टाइम जो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और खोलेंगे तो आपको वीएस कोड का डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपने सिस्टम पे सेट कर चुका था और फिर मैंने रिक्रिएट किया इसको, तो इसलिए सीधे मुझे न्यू फाइल पे लेके जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करते हैं। देखिए ये मुझे पाइथन का वर्जन बता रहा है कि कौन सा पाइथन का वर्जन इस पे इंस्टॉल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लगइन्स का है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन के लिए हमें पाइथन का प्लगइन चाहिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। और कोई भी ऐसे सिंपल प्रोग्राम हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने इसे हेलो डॉट पी वाई के नाम से सेव किया है, बट मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज है, कुछ लाइब्रेरीज हमें चाहिए जिसको हमें इंस्टॉल करना चाहिए पड़ेगा, जैसे लिंटर पाइलेंट। देखिए यहाँ पे जो है वार्निंग दिखा रहा है, लिंटर पाइलेंट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, पाइथन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, प्लीज़ डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पाइथन बिफोर यूजिंग द एक्सटेंशन। देखिए पाइथन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, बट हमें जो है लिंटर पाइलेंट को इंस्टॉल करना है। तो इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल कमांड है, आप इसे यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमांड लाइन के थ्रू चाहें तो वहां सीएमडी के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है। इसके जितने भी डिपेंडेंसीज होगी इंस्टॉल करेगा, ये एक्चुअली जो हम कोड लिखेंगे पाइथन का उसको चेक करेगा, उसको बग फिक्स करेगा और फिर जो है हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें देगा। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए एक बार हम जो कोड लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो हमारा आउटपुट देता है कि नहीं देता है। देखिए दोस्तों नीचे आपका जो है आउटपुट आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टरी पाइथन की बता रहा है और उसके बाद फाइल की जो हमने जहाँ पे पाइथन को सेव किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। इसी चीज़ को अगर हमें सीएमडी में चेक करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर इसे हम यहाँ से एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने वो फाइल सेव करी है पाइथन की। तो हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे, फिर वहाँ पे सीडी पाइथन और यहाँ से हम सिंपली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आप डायरेक्टरी नेम अगर आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं कि पाथ किस तरीके से डिफाइन करना है, तो आप सिंपली जो है जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोग्राम सेव किया है सिंपली उस फोल्डर में जाइए और यहाँ पे क्लिक करके आप cmd लिखिए तो सीधे आप उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे या उस फोल्डर डायरेक्टरी का कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप वो पर्टिकुलर पाइथन का जो आपने कोड लिखा है, जो उसका फाइल नेम दिया है, उसको टाइप कीजिए और वहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से हम एक जो है कोड एडिटर को अपने विंडोज़ मशीन पे सेटअप करके किस तरीके से पाइथन की सिंपली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पाइथन
कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं, बहुत ही सिंपल और ओपन सोर्स है, और बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी जो है रिसोर्स इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं। सिर्फ मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा और इतने से ही मेरा जो आउटपुट आ गया। ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ज़्यादा कि सी प्लस प्लस या जावा है, और जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि हर एक चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी जो है लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ काम कर रहे हैं या मशीन लर्निंग पे कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस आते हैं, लाइब्रेरीज आते हैं, जिसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद उसके पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम कहाँ पे पाथ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा खुल गया है। एडवांस में, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप एडवांस टैब में जाइए, तो यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल का एक टैब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यूज़र का एनवायरनमेंट है और ये जो है सिस्टम वेरिएबल्स है। तो जो यूज़र है उसके एनवायरनमेंट में हम चेंज कर दें, तो जो यूज़र का एनवायरनमेंट है जिसमें पाइथन इंस्टॉल है, हम उसके वहाँ पे वेरिएबल्स पाथ देंगे ताकि वहाँ से उस चीज़ को वो उठाए। अब जिस तरीके से हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, उस वक्त हमने पाथ को टिक किया था। अगर हम पाथ को टिक नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक नहीं लेता, फिर हमें यहाँ आ करके उस लोकेशन का पाथ देना पड़ता। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसने जो है क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रखी है। पाइथन, पाइथन 3.7 -32 स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर रखी है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड, बिन, ये सारे पाथ इसने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने ये कहा था कि तुम पाथ ऐड करो। बट जब पाइथन के डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को हम इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है जिसके पाथ को भी हमें देना होगा। तो उस पाथ को देने के लिए जो है, अगर हम पिप कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको फिर हमें उस फोल्डर लोकेशन पे जा करके वहाँ से उसका पाथ जो है एक्सट्रैक्ट करना होगा, और फिर यहाँ पे आ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हमें फिर इस पाथ में जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपली इस पे न्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी पाथ है उसको पेस्ट मार दीजिए, ठीक है, फिर ओके कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है यूज़र वेरिएबल्स पाथ को डिफाइन करते हैं, तब जा करके हमारा जो है सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सेटअप होती है। तो ये था दोस्तों कि हम किस तरीके से सिंपली पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस तरीके से एक एनवायरनमेंट अपने डेस्कटॉप पे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग सीखें, आपको कोई भी स्किल सेट नहीं है, आप किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप इसको बहुत ही आसान वे में, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आप देख देख करके या बहुत सारे रेफरेंस को यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस होंगे, मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हैं और आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है और किसी भी तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं अपने कॉमेंट्स के थ्रू। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।